नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल शर्मा। आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे देश के साथ साथ हमारे जिला किश्तवाड़ में भी गणतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। और 15 अगस्त 1947 को हमें हमारी आज़ादी हुई, लेकिन उसके ठीक तीन साल बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और उस दिन के बाद लगातार जो है हर वर्ष 26 जनवरी का दिन और ये राष्ट्रीय त्यौहार जो है पूरे देश में मनाया जाता है। और आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी यह त्यौहार जो है काफ़ी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन एक प्रस्तुति इसमें सबसे खास जो रही, आप जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे हमारे देश में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जो स्कीम, जो एक योजना लॉन्च की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी पे जो एक जो प्रस्तुति यहाँ पे कुछ बेटियों ने, मैं अगर इनके स्कूल का नाम लूँ तो आदर्श बालनीकेतन स्कूल से जो ये बेटियाँ थी, इन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही अच्छी प्रस्तुति रखी हमारे सामने। जिस तरीके से जो ये पूरा जो ये योजना जो है पूरे देश में चल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्हीं से मैं बातचीत करूँगा। इन्होंने अलग अलग जो रूप, देवियों का जो रूप होता है वो धारण करके यहाँ पर इन्होंने ये प्रस्तुति की और ये हमें ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर समाज में बेटियाँ कितनी ज़रूरी हैं। काफ़ी अच्छा प्रस्तुति रही इनके। सबसे पहले मैं इनके टीचर से बात करता हूँ यहाँ पे। जी सर, आपका नाम? जी मेरा नाम सावन सिंह है। जी कहाँ से आपको ये कंसेप्ट आया? काफ़ी खूबसूरत कंसेप्ट रहा आपका और काफ़ी अच्छा लगा सबको, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, तो कहाँ से आपका एक जो कंसेप्ट आया? सर ये कंसेप्ट तो हमें बस जो लोकल का माहौल है उसे देख के ही लगा, क्योंकि आजकल एक ऐसा चल रहा है वातावरण, ऐसा माहौल है कि कोई भी बेटी को बचाना चाहता ही नहीं है। जिसके घर में बेटियां पैदा होती हैं वो बोलते हैं नहीं ये बेटी नहीं, ये बेटी नहीं है, ये मेरे लिए बोझ है, ये ऐसे है वैसे। बच्चों को तो, लड़के जो होते हैं उनको तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन बेटियों को क्या है, टेंथ ट्वेल्थ करा के लोग बस वहीं पे बंद कर देते हैं उनकी पढ़ाई और बोल देते हैं कि नहीं बस अब आगे नहीं पढ़ना, अब ये करना वो करना। ऐसा कंसेप्ट हमने इसलिए लाया ताकि बेटी को पढ़ाया जाए, सेम दर्जा जो एक लड़के को मिल रहा है वो दर्जा सब बेटी को मिले। हर एक बेटी जो देश की बेटी है सबको वो बराबर का दर्जा मिला है। इसलिए हमने डिफरेंट अलग अलग तरह के देवी यहाँ पे सामने की, जो जिनसे हम हैं, जो हमारे गॉड्स हैं, हमारे गॉडेस गॉडेस जो भी हैं, उनसे जिनसे हम हैं उनसे हमने, हम जब उनसे हैं तो हम बेटी क्यों नहीं बचा रहे हैं? वो जब वो माताएं होके हमारा पालन पोषण करती हैं तो हम उन्हीं को, वो भी तो एक माता ही है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा इन्होंने। जिस तरीके से बेटियां जो है, चाहे मैं देवियों की बात करूं, चाहे दुर्गा की बात करूं, सरस्वती की बात करूं या लक्ष्मी की बात करूं, तो आखिरकार हमारे समाज में बेटियां कितनी ज़रूरी हैं ये आप भली भांति जानते हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूं जिन्होंने यहां पे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जो रूप धारण किया। जी आपका नाम? जी मेरा नाम राधिका परिहार है। किस देवी का जो आपने रूप धारण किया और क्या दिखाने की कोशिश की आपने यहाँ पे लोगों को? जी मैंने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था और हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर बेटियों को मारा जाता है मगर बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ, इस पे हमने ये स्किट की थी। जी आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम सिमरन है और मैंने माता का रोल किया था सरस्वती का। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे, जो जिस तरीके से आपने जो प्रस्तुति रखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या दिखाना चाहते थे आप लोगों को? हमारा एक यही नारा है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ भी। तो ये कुछ बेटियाँ थी, कुछ और बेटियों से बातचीत करूंगा। जी आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम भूमिका शान है। किस देवी का रूप आपने धारण किया और क्या दिखाया आपने लोगों को अपने रूप से खासकर? मैंने ज्वाला माता का रूप धारण किया था। मैं ये लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कृपया करके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाएं, बेटियों को बचाना चाहें और बेटियों को। आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम महक परिहार है और मैंने दुर्गा का रूप धारण किया है। जैसे कि दुर्गा सबों को शक्ति देती है, वैसे ही हमने भी माता का रूप धारण करके वैसे ही हमने भी उनको कहा कि हम भी आपको शक्ति देंगे, परंतु पहले आप बच्चों को, लड़कियों को बचाओ। खासकर जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये खासकर ये अभियान चलाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए हम भी चाहते हैं कि बेटियों को बढ़ावा दो, पढ़ाओ लिखाओ और उनको खूब रिस्पेक्ट करो। थैंक्स।
तो देख लीजिए आप, ये कितनी खूबसूरती से इन बच्चियों ने, इन बेटियों ने एक प्रस्तुति रखी, कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये प्रस्तुति सामने रखी और सबको ये संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरीके से समाज में बेटियों की ज़रूरत पड़ती है और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो ये योजना जो है ये जो लगातार इस देश में चला रहे हैं और कुछ दिन पहले जो है यहाँ के DC जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है ये अभियान शुरू किया और काफ़ी अच्छा लगता है कि जिस तरीके से ये सभी बेटियां जो है जिस तरीके से प्रस्तुति करती हैं काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं एक बार सभी जो बेटियां हैं ये इन्होंने अलग अलग रूप धारण करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे समाज में बेटियां कितनी ज़रूरी हैं, बेटियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी बात करूँ तो अलग अलग रूप हैं, जैसे माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है या माँ लक्ष्मी है। तो आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटी के पास ही बेटी भी एक हमारे समाज में कितनी ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये सभी बेटियां ये जो इन्होंने जो प्रस्तुति रखी ये आदर्श बालनिकेतन किश्तवाड़ की बेटियां हैं, एक टुकड़ी है आदर्श बालनिकेतन किश्तवाड़ की। कैमरा पर्सन अजय के साथ शीतल शर्मा।